हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की जड़ है कृषि। और आज हम आपसे शुरुआत कर रहे हैं राज्योत्सव के दूसरे दिन भी कि आप कृषि विभाग के जो स्टॉल हैं उसमें देखिए भीड़ यहाँ सबसे ज़्यादा भी है और लोग देखने आ रहे हैं हमारे कृषि धन को कि कैसे कैसे इन्होंने नई टेक्निक लगाई हुई है। आप पहले राज्योत्सव के इसके स्टॉल को पहले घूमिए, ये है कृषि विभाग का स्टॉल। बता दीजिए। संदीप कुमार। संदीप कुमार कहाँ से आए आप? भिलाई से। भिलाई से आए जी। और राज्योत्सव अभी आपने पूरा घूम लिया कि जी, अभी अभी आधा हुआ है। अभी आधा हुआ जी है। तो अभी स्टार्ट में आपको यहाँ पर जो मेन हम सुनना चाहते हैं लोगों से कि क्या चीज आपको महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया आयोजन है। अभी तक तो जो भी चीज देखे बहुत अच्छा लगा, जैसे कृषि का है, पशुपालन का है, मछली पालन, हर चीज अच्छा लगा। अपनी मिट्टी की खुशबू थोड़ी सी नजर आ रही है। जी जी, पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। लग रहा है ना, आप गांव में आ गए हैं। जी जी, है ना? जी एकदम। और कृषि विभाग में भी आपको बहुत सारे जो उपलब्ध कराए गए साधन जी, तो वो आपकी उसको भी जानकारी जी, आपको पूरा देखे जी। इस बार उसमें आप लोगों को डॉक्टर्स भी अवेलेबल कराए गए। जी जी जी। और कौन बोलना चाहेंगे? कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप लोग नहीं। पहला देखना हमने लिखा भैया गुजरात अच्छा। इसका सुरक्षित करूंगा जानवर और मानव सामूस के लिए, इसके लिए बोल रहे हैं। अच्छा, इसको बनाना जरूरी है। और गांव में जो जनता लोग आकर इधर उधर जमीन जहेजात को कब्जा करते हैं, हम गाँव वालों को लड़ाते हैं, उसको शासन करे, सूचना दे सरकार, हम लोग आपस में नहीं लड़ाए। और यहाँ पे जो कृषि का आप देखे हैं उसमें क्या आपको नया मिल रहा है? अभी ठीक मिला हमको। नहीं, नया क्या मिला है? नया हमको नया रहता है। इस बार का नया क्या था जो आपको समझ में आया? गौ गठान तो अभी कोई तकलीफ। आप आइए सामने प्लीज, आइए आइए, देखिए मौका सबके लिए, बिल्कुल बताइए जी, आइए। हाँ आइए आइए आइए। ग्राम घुमा
अच्छा, तहसील रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। मैं यही बोलता हूँ, गांव में जनता को सूचना दे, बाहरी जमीन को विकास करना है, उसके लिए गांव में पहले विधान मंत्री से, विधानसभा से परमिशन ले, उसके बाद जमीन जायदाद कब्जा करे गाँव पर। हम गाँवों पर किसानों को आकर लड़ाई करते हैं, बाहरी आदमी के कब्जा करते हैं, ये नहीं होना। बिगर सूचना दे बिगर कभी काबिज नहीं करना चाहिए। हम तो गाँव में किसानों को लड़ा रहे हैं। अब तो शुरुआत हो गया ना छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ का कहीं करे, सब भाई भाई हैं, लेकिन अपने अधिकार पर रहो, नेतागिरी नहीं करो, चोरी करो झंडा। क्या बोलते हैं, एक कागज और पेन में लिख के दे दो ना भैया, दवाई मारने वाला बोरे बोरे हमारे में पेन नहीं है, कागज नहीं कि मोबाइल है, हवा है। 3 साल बोरे 100 क्या बोले हैं दवाई एक तो। अरे ले आप वेबसाइट पे डालो है ना, राजोत्सव है, आपको डालना है। फेसबुक पे भी आप डाल सकते हैं, उसमें उसका URL दिया हुआ है हमने, उस पर भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ से चल रहा है, इसको ये कहाँ से अपडेट हो रहा है, टीवी ऑनलाइन से, ऑनलाइन से हो रहा है, वेब मीडिया से। ये हम लोग के पास चारा गाह की है, कहाँ की सी डी बताइए ना, उसी के लिए तो मैं आई हूँ, आपको बताइए आप चारा गाह का। हाँ, इसका कितना दादा, बस एक तुलसी बोलो। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया द्वारा नरवा गुरवा अहुबाड़ी संकल्पना का अंतर्गत हमने 10 चारा गाह विकास कार्यक्रम लिए हैं, जिसमें 10 गोठानों के अंतर्गत हम नेपियर घास, मक्का घास और बहुवर्षीय ज्वार का उत्पादन कर रहे हैं। कुल प्रस्तावित रकबा 5 एकड़ है, जिसमें प्रतिदिन हम 200 से 250 पशुओं को हरा चारा लगभग 5 से 7 किलो उपलब्ध करा पा रहे हैं। और क्या बताएं, आपका नाम बताएं। राजपूत है मैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में कार्यरत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार अनंत है। आपका नाम बता दीजिए। मैं इंजीनियर कमलेश कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया। तो आप लोग ये कोरिया से कर रहे हैं, राजस्थान में आपने डाला है। हाँ, ये वाला एक इधर, नेपियर का, मक्का का, बरबरसी ज्वार का। मैम एक वीडियो चारा का, गोठान का है पूरा, मेरे साइड पे डालिए आप, है ना, मेरे साइड पे आप।